व्हाट्सअप गाइस गाइस, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि जिम में हम सपोर्टर पहने या ना पहने, डू वी नीड सपोर्टर्स इन जिम और नॉट। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको सपोर्टर पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए। और गाइस, इस वीडियो में फालतू की बकचोदियां नहीं बताऊंगा, कब बना, किसके लिए बना, मतलब सपोर्टर किसने बनाया, किसके लिए बनाया, कहां बनाया, क्योंकि मुझे मालूम है आपको घंटा सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि सपोर्टर हम पहने जिम में या ना पहने, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना पहनने पे। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब लोग जिम ज्वाइन करते हैं उनके दिमाग में कई मिथ्स होते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं गाइस। उनमें से है, अगर आप सपोर्टर नहीं पहनोगे तो इन फ्यूचर आप पापा नहीं बन पाओगे। दूसरा मिथ होता है, टेस्टिकल में वाटर स्टोर हो जाएगा। गाइस, थर्ड मिथ है, सपोर्टर नहीं पहनोगे तो हर्निया हो जाएगा। बहुत से लोगों ने तो हर्निया वर्ड सुना भी नहीं होता है, वो लोग तो मेनली इन फ्यूचर पापा नहीं बन पाओगे और टेस्टिकल्स में वाटर स्टोर हो जाएगा, इस बात को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। पहली बात, आपके सपोर्टर पहनने या ना पहनने से हर्निया का कोई लेना देना नहीं है। हर्निया होता कैसे गाइस? अगर आपकी एब्डोमिनल वॉल वीक है तो गाइस, जब कभी भी आप जिम में हैवी वेट लिफ्ट करोगे तो गाइस आपके इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ता है। जब कभी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है एंड आपकी एब्डोमिनल वॉल उस प्रेशर को फेस नहीं कर पाती है, तब इंटेस्टाइन एब्डोमिनल वॉल को ब्रेक करके बाहर आ जाती है। वेट लिफ्टिंग ही नहीं, अगर आपकी एब्डोमिनल वॉल वीक है तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि आपकी एब्डोमिनल वॉल पे प्रेशर पड़ता है तो गाइस आपको हर्निया हो सकता है। टेंशन मत लो, सबको हर्निया नहीं होता है। 100 में से 2 या 3 ही लोगों की एब्डोमिनल वॉल वीक होती है और उनको हर्निया होता है। बट गाइस, आप ही सोच रहे होगी कहीं मैं तो नहीं हूँ उन 2 में से 3 में से। तो गाइस, आपको कैसे पता चलेगा? तो गाइस, जब कभी आप जिम जाते हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो कि आपकी एब्डोमिनल वॉल पे प्रेशर पड़ता है, आपको हल्का पेन टाइप का रियलाइज होता है कि हाँ मेरे थोड़ा नीचे पेन जैसा लग रहा है, तो मे बी आपको हर्निया हो सकता है। गाइस, अगर कभी आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आपकी एब्डोमिनल वॉल पे कोई प्रेशर पड़ रहा है या पेन टाइप का लग रहा है, तो गाइस आपको हर्निया नहीं होगा, ना आपको सपोर्टर की जरूरत है। आप सपोर्टर पहनो या ना पहनो, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत से एथलीट और बहुत से लोग पहनते हैं सपोर्टर, तो गाइस वो ऐसे एक्सरसाइज में पहनते हैं जिसमें आपके टेस्टिकल्स का मूवमेंट होता है, जैसे गाइस ट्रेडमिल पर रनिंग करना या कहीं भी आप रनिंग कर रहे हो, और गाइस साइकिलिंग करना या किक बॉक्सिंग कर रहे हो, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपके टेस्टिकल्स का मूवमेंट होता है। गाइस, इन सब एक्सरसाइज में सपोर्टर का पहनना ज़रूरी होता है, बिकॉज उसमें टेस्टिकल्स का मूवमेंट होता है और इंजरीज होने का चांसेस बहुत होता है, जिससे कि स्वेलिंग सूजन टाइप की आ जाती है आपके टेस्टिकल्स में। वाटर स्टोर नहीं होता है गाइस, स्वेलिंग आती है। गाइस, सपोर्टर पहनना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी एब्डोमिनल वॉल स्ट्रांग है तो आपको हर्निया नहीं होगा और आपको कोई भी इंजरी नहीं होगी। तो गाइस, ये सारे मिथ थे कि आप सपोर्टर नहीं पहनोगे तो इन फ्यूचर आप पापा नहीं बन पाओगे, आपके टेस्टिकल्स में वाटर स्टोर हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। गाइस, ये सबका सब मिथ है, पता नहीं आपके दिमाग में कहाँ से आया है ये सारा मिथ है। ये था आज के वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई चैनल को लाइक कर देना। तो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।